एक्चुअली मुझे उधर से कहीं से साउंड आ रहा है, तो उधर कहीं टेम्पल है आई थिंक। यहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब हम निकल रहे हैं केदार घाटी से स्वर्गारोहिणी कॉटेज। कुछ पहला लैंडमार्क आ चुका है जिसमें गौरीकुंड 15.5 ऊपर है, वासुकी ताल के लिए रास्ता। बहुत ही खतरनाक है, ये देखो हाइट देखो आप, वाकई में मंदाकिनी यहाँ एक अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ये रास्ता घोड़े के लिए है, ये पैदल के लिए है 1 किलोमीटर। और इधर हम दिखाते हैं केदारनाथ 15 है, एंट्री होती है, ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक शर्मा, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASTV में। भोलेनाथ हमारे प्रिय हैं, इसीलिए हम अपनी YouTube जर्नी की शुरुआत केदारनाथ यात्रा से कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। ये जर्नी डेडिकेटेड है भोलेनाथ को। वीडियो अंत तक देखें, आज हम आपको दर्शन कराएंगे केदारनाथ जी के। जय श्री केदार। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, ये सोनप्रयाग का व्यू है। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है जिसका कोई चार्ज नहीं था। अब हम यहाँ से गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए हमने शेयर जीप करी है, जिसका चार्ज हमने 40 रुपीज़ दिया है। अब आप इंजॉय करिए जीप राइड का। वैसे तो रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन हम कुछ मेजर पॉइंटों पे बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला है आप badrinathkedarnath.gov.in पे जाके अपनी सारी डिटेल फिल करके ई पास वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग में अपना आधार कार्ड कैरी करिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाइए और वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, जिसका चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम गौरीकुंड में हैं, यहाँ से हमारी जर्नी की पैदल यात्रा शुरू हो रही है, जो कि 16 किलोमीटर की है। आगे जो मेजर लोकेशन है मैं उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। इंजॉय करिए जर्नी का। जय श्री केदार। गौरीकुंड में रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराने के बाद के व्यू कुछ ऐसे हैं।
थोड़ा सा रास्ता टूट गया है नीचे का व्यू आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। पहले पड़ाव पे आ चुके हैं चीरवासा भैरव का मंदिर। ओ 10 रुपए का नोट। माय गॉड चलिए ओके चढ़ा देंगे किसी भी टेंपल में ऊपर जाके। ये पुल का प्लेट है। ओह माय गॉड कितने बंदे हैं 5 और 3 8 और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखिए मतलब काफी स्ट्रगल चलता हुआ एफर्ट करते हुए देख रहे हो आप। हाइट गेन कर चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए
ट्री बिल्कुल भी नाक के बराबर है, कितना स्लोप है ऊपर की तरफ। इसलिए मुझे उधर से कहीं से साउंड आ रहा है, तो उधर कहीं टेंपल है आई थिंक, तो मुझे साउंड आ रहा है और अब हम चल रहे हैं। एजुस्तान मेरे पीछे की तरफ है, तो मेरा फेस हो सकता है थोड़ा सा ब्लैक आए। बस जस्ट केदारधाम पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम है और बात करने में बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। 6 बजने वाले हैं और अंधेरा हो चुका है लगभग, थोड़ी थोड़ी रोशनी है, तो मैं चाहता हूँ आरती को शूट करूँ आज और कल मॉर्निंग की भी मेरी कोशिश रहेगी कि आरती को दिखाऊँ आपको। तो चलिए, और वो देख रहे होगे आप छोटा सा एक डॉट में दिख रहा है आपको, वो केदारनाथ टेम्पल है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आगे चलते हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पूछा और कर दिया। और ये देखिए मंदाकिनी जी की आवाज़ आती है, आपको फील हो रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा है, एक्चुअली मैं बहुत वाइट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और ये देखिए भगवान आती हुई, ये देखिए मतलब लाइव कहाँ से आप देख रहे हो, आप बयान नहीं कर सकते। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये चलता हुआ हमारा कैमरा और कैप्चर करता हुआ एक एक शॉट को। और जब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है, तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के अंदर कुछ कमी है या आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सेकंड पार्ट में काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, तो आपको सेकंड पार्ट देखना चाहिए। जय श्री केदार। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय श्री केदार। कुछ बातें हैं जो केदारनाथ यात्रा के अंदर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको किसी भी तरीके का मेडिकल इशू है तो आप गोरीकुंड में फार्मेसी शॉप मिल जाएगी, इसके बाद आपको भीमबली मिलेगी और इसके बाद आपको डायरेक्ट केदारनाथ में मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैश के ऊपर। आप अपने साथ अपने जो प्लानिंग के साथ हिसाब से आप कैश कैरी करके चले, आप मैक्सिमम कैश लेके चलिएगा, क्योंकि आपको ऊपर एक गोरीकुंड के अंदर ATM है लेकिन उसकी भी अवेलेबिलिटी ना के बराबर है, और ऊपर आपका ना गूगल पे ना फोन पे किसी भी तरीके की ऐप नहीं चलती है। जो भी काम होता है, आप खाना खाएंगे, घोड़ा खच्चर करेंगे, वो सब कैश में होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क के ऊपर। आपको रास्ते के अंदर एयरटेल, जियो और वोडाफोन मिल जाएगा, लेकिन जो मेजर लोकेशन है जो कि मेन टेम्पल है, वहाँ पर आपको एयरटेल और जियो की ही अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं खच्चर के ऊपर।
घोड़ा खच्चर का सरकारी जो रेट है वो 2500 रुपीस है जाने के लिए, और आने का केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए वो है 1500 रुपीस। केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, जिसके अंदर आपको गौरीकुंड से भीमबली तक का जो ट्रैक है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, वो लगभग आपको ठीक ठाक मिलेगा। और सात उसके बाद का जो 7 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें आपको भीमबली से लेके बेस कैंप तक का, वो काफ़ी टफ ट्रैक है। इसके अलावा बाद में टेम्पल तक का जो रास्ता है बेस कैंप से, वो 2 किलोमीटर का है, वो स्ट्रेट है। और इस पूरे ट्रैकिंग जर्नी में आपको लगभग 5 से 10 घंटे का टाइम लग जाएगा, और डिपेंड करता है आपके स्टैमिना के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। केदारनाथ मंदिर के कपाट जो हैं वो 6 महीने के लिए खुलते हैं, जो कि अब भैया दूज पे बंद हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है केदारनाथ के पास से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें से मेजर नदी मंदाकिनी मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर को सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है, इसके अलावा शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आरती होती है। पहले तो ये कहना चाहेंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारेश्वर महादेव 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विद्यमान है। कहते हैं कि बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले केदार सदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। वैसे तो इस भूधर धरातल पर अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन केदारेश्वर जैसा तीर्थ न तो कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवेत सोपी जो गतो बदरी बनी। जो जीव जीवन में एक भी बार इस पुण्य क्षेत्र में आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी, तो भगवान महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब से भगवान महादेव इस स्थान पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है मोक्ष, द्वार मैंने होता है दरवाजा, इस पुण्य क्षेत्र को मोक्ष द्वार कहा गया है। इस स्थान पर इस दिव्य मंदिर का निर्माण पांडवों के अंतिम वंशज जन्मेजय राजा ने करवाया अपने पितरों की स्मृति में। इस स्थान पर नाना समय पे नाना प्रकार के साधु संत आए और योग समाधि इस स्थान के लिए, उन्हीं में से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस स्थान पर योग समाधि लिए भगवान केदारेश्वर के दर्शन की तपस्या। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, और जिसमें लगभग आपको 8 घंटे लग जाएंगे, जिसमें मेजर लोकेशन पड़ेंगी आपकी हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर एंड सोनप्रयाग। और डेट है 10/10/2020। NH7 देवप्रयाग के आसपास बंद है, जिसके कारण आपको कुछ रूट में डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप अभी नरेंद्र नगर, न्यू टिहरी और उससे फिर आप श्रीनगर जाएंगे, जिसमें मेजर लोकेशन जो पड़ेंगी आपको वो हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, न्यू टिहरी, श्रीनगर एंड देन सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की एक थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सोनप्रयाग के आगे किसी भी प्राइवेट व्हीकल का जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जीप चलती है, तो आप जीप को 40 रुपीज़ देंगे, देन आप आगे गौरीकुंड तक जाएंगे। जय श्री केदार। तो ये है ब्रह्म कमल, जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे होता है, और वो भी इसका जो टाइम है अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक का। तो आप देख लीजिए, ये है ब्रह्म कमल, और एक बार इसका खोल के दिखाओगे क्या? देखिए आप, बस से यहाँ पे ये आपको केदारनाथ घाटी के अंदर 20 रुपये का मिल जाएगा।
अब हम निकल रहे हैं केदार घाटी से, और आप मेरे पीछे जो देखिए वो केदार टेंपल और बाबा को की तरफ से जय मेरे जितने व्यूअर हैं। और ये लास्ट व्यू है, इसके बाद बस हम टर्न लेंगे और अब हम नीचे उतरने लगे हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसको हम पार कर रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे साथ नीचे मंदाकिनी रिवर बह रही है, काफ़ी तेज़ साउंड है और पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ है। ये वही मंदाकिनी रिवर है जिसने 2013 के अंदर बहुत बड़ी आपदा लाई थी। अब ये देखिए, ये मैं ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ और ये ब्रिज जो है कनेक्ट करता है केदारनाथ जी के टेंपल को और अलग पार्ट से स्वर्ग आरोहिणी कॉटेज, जिसका प्राइसिंग इन्होंने लिखा हुआ है नोमेट्री 1000 रुपीज़, फैमिली सूट 6160 रुपीज़। काफ़ी कॉस्टली है लेकिन यहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशन है तो उसके लिए तो इतना सब कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। बेसिकली एक हेलीपैड है और वो सामने आप देख रहे हो वो भैरव बाबा का मंदिर है और ये सारे ग्लेशियर्स हैं। चलिए चलते हैं। कुछ पहला लैंडमार्क आ चुका है जिसमें गौरीकुंड 15.5, जंगल चट्टी 12, भीमबली 9.5, बड़ी लिंचोली 4.5, ऊपर है वासुकी ताल के लिए रास्ता और ये हमारा ओल्ड केदारनाथ वैली और केदारनाथ धाम के लिए जो पाथ है केदारनाथ टेंपल के लिए वो ये था सारा। आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है था। उसके बाद ये रूट था तो इसलिए ये ओल्ड रूट को बंद करा गया और जिस रूट पे अब हम जा रहे हैं वो एक नया रूट है और वो 2013 के बाद ही बनाया गया। मिल जाएंगे जो कि टेम्परेरी हैं, तो वैसे टेम्परेरी लेकिन स्पेशियस और क्लीननेस के हिसाब से बिल्कुल फ्रेश है और मैंने भी 2-3 बार यूज़ कराया तो मेरे को बिल्कुल ओके लगे, तो मैंने आपको इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहा। ये टेम्परेरी है, एक टाइम के बाद जब टूरिज्म सीज़न ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद इनको हटा लिया जाए। ये है घोड़ा खच्चर बेस कैंप, तो यहाँ पे घोड़े खच्चर आगे खड़े हो जाते हैं, इसके आगे आपको पैदल ही करना है और टेम्पल तक पैदल ही जाना है। थोड़ा सा रास्ता है लगभग, ये मान के चलिए यहाँ से 1 किलोमीटर होगा ना आगे, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़े पैचेस हैं ऊंचे और थोड़े नीचे पॉइंट। और अब हम बेसिकली 2 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं ये जंगल चट्टी भीमबली और बड़ी लिंचोली के लिए रास्ता दिखाया हुआ है जो कि अभी हम जाना है। ये नया वाला रूट जिससे हमें अभी जाना है तो वो है, ये नीचे पुराने वाला रूट था जो कि डिस्ट्रॉय, और ये पूरा रूट है आप देख रहे हो वहाँ से नीचे उतरने लग जाता है। ये ऊपर से ग्लेशियर आया हुआ और आप देखिए इसमें इसको काफ़ी गंदा हो चुका है ये अभी फ़िलहाल, और एक बहुत ही बड़ी इसमें गुफा बनी हुई है, इसके अंदर जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ग्लेशियर काफ़ी टॉप से फिसल के आ जाते हैं, जैसे जैसे धूप पड़ती है वैसे वैसे इनकी ग्रिप जो है वो छोटी होती चली जाती है जिसके कारण ये आ जाते हैं। हो और मैं अगर यहाँ पे बैठता हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा एहसास हो रहा है, मतलब किसी एक अच्छे खासे फ्रीजर में, कोल्ड स्टोरेज फ्रीजर में मुझे बैठा दिया हो। अगर आप देख रहे हो वो सामने हनुमान गुफा है, पहले बेसिकली वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे क्योंकि वो ऑन द वे पड़ती थी पुराना रूट होने के कारण, तो वहाँ पे दर्शन करते थे। अब एक्चुअली ये नया रूट बना दिया है तो लोग इधर से आ जाते। इधर लोकेशन पर वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी लेकिन फ़िलहाल वो भी वर्किंग में नहीं है, जब टूरिस्ट सीज़न आता है तभी ऑन होता है सारा कुछ। ये एक सबसे बड़ा पैच दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्लोप तो बैंड बजा देने वाला स्लोप है, आप देखो कितना हाइट गेन कर रहा है, एलिवेशन इधर देखिए कितना डाउन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आना है, मतलब ये पैच तो वाकई में हालत ख़राब कर देगा। 5 और भीमबली 3 किलोमीटर, और ये है रास्ते का व्यू, रास्ते का भी व्यू कुछ ऐसा है आप देखिए, मतलब बहुत ही जल्दी आप हाइट गेन कर लोगे, तो ये हाइट गेन करने वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें आदमी बहुत जल्दी थक जाता है। इधर सीढ़ियाँ हैं और ये है हमारा पूरा रूट। ये ब्रिज का एक पार्ट है
जिसको ये वेल्ड करा के ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है, ये देखो हाइट देखो आप, ये देखो वाकई में मंदाकिनी यहाँ एक अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखिए कितना सकरा, ओह माय गॉड, मतलब आवाज़ से आपको ही फील हो रहा होगा कितनी सकरी घाटी है ये। पुल के नीचे काफ़ी सकरा सिस्टम है यहाँ, तो ये देखिए पत्थर आया हुआ है बीच में, यहाँ पे ये रास्ता आके मीट होता है एक्चुअल व्यू। ये रास्ता घोड़े के लिए है, ये पैदल के लिए है, इधर लिखा भी हुआ है। माय गॉड, बच्चों को ऐसे तो इधर निकलो, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ऊपर से ये स्लाइडिंग भी हुई है और आप मानोगे नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। आप ही देखिए काफ़ी बड़े पत्थर हैं ये, ऊपर से झरना भी आता हुआ दिख रहा है। और ये है हमारा रास्ता जिस रास्ते से हम जाएंगे अब, ये देखिए शॉप मिल जाएंगी आपको, और काफ़ी दूर दूर बाद हैं, इसके बाद आपको शॉप जो मिलने वाली है वो भी मिलेगी। तो आप जो भी ज़रूरत का सामान है वो कैरी करके चले, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। ये अभी हम हैं भैरव मंदिर के आसपास हैं 1 किलोमीटर, और इधर हम दिखाते हैं केदारनाथ 15 है, जंगल चट्टी 03, किसी ने वो 15 को 45 बना रखा है, और एक्चुअल में 45 ही, हालत इतनी ख़राब हो जाती है। ये देखो आप, ये नीचे का व्यू है, और ये है पूरा स्लाइडिंग जो कच्चा पहाड़ है, तो आगे भी ये दिक्कत करेगा ही, पूरा कच्चा पहाड़ है ये, तो मिट्टी के अंदर पत्थर फंसे हुए हैं और पूरा रोड ही स्लाइडिंग जोन में है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो एंट्री होती है, ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट, तो दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट। और जब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के अंदर कुछ कमी है या आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय श्री केदार।